जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी आप एक पासपोर्ट बनवाने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें कितनी फीस पे करनी होती है। तो जो पासपोर्ट बनवाने के लिए फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर टू कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड द सेकंड वन इज तत्काल। तो आप इन दोनों कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंस की बात करें कि नॉर्मल कैटेगरी और तत्काल कैटेगरी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट की, तो तत्काल पासपोर्ट के केस में आपका जो पासपोर्ट है वो विद इन अ वीक आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपीस पे करने होते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी के अंडर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपीस पे करने होते हैं। अगर माइनर का केस है, यानी कि अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है और आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीस पे करने होते हैं। तो ये है नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का फीस स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं तत्काल पासपोर्ट के केस में, यानी कि अगर आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 3500 रुपीस पे करने होते हैं। अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 4000 रुपीस पे करने होते हैं। अगर माइनर का केस है, 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के अंडर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 3000 रुपीस पे करने होते हैं। तो ये है तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने का फीस स्ट्रक्चर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये फीस है ये रिफंडेबल है या फिर नॉन रिफंडेबल है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आप ये फीस पे कर देते हैं तो आपको ये फीस दोबारा से रिफंड नहीं की जाएगी, चाहे आप उस डेट पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट किए हैं या फिर नहीं किए, तो आपको ये फीस दोबारा से वापस नहीं की जाएगी। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते, यानी कि जब भी आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एक अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करते हैं, टाइम सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं, तो वहां आपने कोई फीस पे नहीं करनी होती। अगर आप यहाँ पर मैसेजेस से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज सिर्फ पे करने होते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, क्योंकि आपने जो फीस है वो ऑनलाइन ही पे कर देनी है। तो ये था कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।